दोस्तों, क्या आप पठान मूवी की कहानी जानना चाहते हैं तो एकदम से सही वीडियो पर आए हैं। क्या आप पठान मूवी देखने जाना चाहते हैं पर आपके अंदर में एक कन्फ्यूजन सा है? दोस्तों, क्या आप पठान मूवी देखने जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो आपको दिमाग में ज़रूर कन्फ्यूजन होगा कि फिल्म देखने जाए लेकिन कैसे जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मूवी मैं जैसा मूवी देखना चाहता हूँ वैसा ये मूवी ना होगा, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरा ये आप क्लिप सुनिए, उसके बाद आप मतलब डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मूवी देखना चाहिए या नहीं। और इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलने वाली है पठान मूवी के बारे में जो अब तक यूट्यूब पर नहीं है। इसके बाद जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ, आपको जानकारी नहीं होगा पठान मूवी के बारे में। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट में बहुत ही हल्केदार मैसेज दूंगा आपको पठान मूवी के बारे में। तो सबसे पहले ये दोस्तों, क्या आप पठान मूवी की कहानी जानना चाहते हैं तो एकदम से सही वीडियो पर आए हैं। क्या आप पठान मूवी देखने जाना चाहते हैं पर आपके अंदर में एक कन्फ्यूजन सा है कि ये मूवी आपके लिए है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस टाइप का मूवी देखना चाहते हो उस टाइप का ये मूवी ना हो? आपको इस वीडियो में इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पठान मूवी की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म पठान पूरी तरह से एक्शन फिल्म है। इस फिल्म की कहानी पठान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पठान की भूमिका में शाहरुख खान इस फिल्म में पठान बनकर एक ऐसे एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं जिसके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। पठान की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आता है जब उसे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक ऐसा मिशन सौंपा जाता है जिसमें उसे अपने देश के दुश्मनों से सुरक्षा करनी होती है। देश की सुरक्षा से जुड़े इस मिशन पर उसे कई बार अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। फिल्म की कहानी इसी फ्लर्ट पर बेस है कि पठान किस तरह से इस बेहद महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी शाहरुख खान है। शाहरुख खान इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए हैं। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान का वो रूप दिखाई देगा जो आपने इस फिल्म से पहले कभी नहीं देखा होगा। शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म के अन्य किरदारों की बात करें तो अपने रोल में जॉन अब्राहम ने भी फिल्म में जान डालने का काम किया है। जॉन अब्राहम फिल्म में नेगेटिव रोल में दिखाई दिए हैं। फिल्म में आपको शाहरुख खान और जॉन अब्राहम के बीच जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलेगी। पठान में दीपिका पादुकोण भी अपने रोल में बिल्कुल फिट दिखाई दे रही है। दीपिका ने फिल्म में एक ऐसे स्पाई की भूमिका निभा रही है जो पठान को उसका मिशन पूरा करने में मदद करती है। वैसे तो ये फिल्म पठान 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 सिर्फ पठान के ही बारे में है, लेकिन फिल्म में कई जगहों पर जॉन अब्राहम शाहरुख खान के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आपको एक्शन फिल्में पसंद है तो आपको इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। फिल्म पठान की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मीडिया पर आ रही खबरों के अनुसार ये फिल्म पहले ही दिन 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म को देखकर जिस तरह से लोग फिल्म की तारीफें कर रहे हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आने वाला है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म इसी सप्ताह 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर सकती है। शाहरुख खान की फिल्म पठान को जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित होने वाली है। इस फिल्म को फिल्म क्रिटिक का भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है लेकिन फर्स्ट हाफ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका सेकेंड हाफ है। इसमें दर्शकों को कई ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे। फिल्म में शाहरुख खान जबरदस्त डायलॉगबाजी करते दिख रहे हैं। उनकी एंट्री पर भी आप तालियां मारने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कहानी की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेकर्स ने नए गिलास में पुरानी शराब परोसी है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि मेकर्स ने इसे नए और एंटरटेनिंग अंदाज में प्रमोट किया है। दीपिका पादुकोण की बात करें तो वो फिल्म में एक्शन के साथ साथ काफ़ी बोल्ड अंदाज में नज़र आ रही है जिसका अंदाज़ा फिल्म के गाने और ट्रेलर से लगाया जा सकता है। फिल्म में जॉन अब्राहम एक बार फिर काफ़ी स्ट्रांग विलन के रूप में नज़र आए हैं। अपने एक्शन के लिए मशहूर जॉन अब्राहम ने इस बार भी फैंस को निराश नहीं किया है।
फिल्म में शाहरुख खान और जॉन की टक्कर फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। फिल्म में फैंस के लिए एक सरप्राइज भी रखा गया है जिससे हम पर्दा उठा रहे हैं। फिल्म में सलमान खान भी जबरदस्त कैमियो करते हुए दिखाई देते हैं। सलमान खान की एंट्री सीन्स लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फैंस दबंग खान और पठान को एक साथ एक्शन करते देख काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म में यूं तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम तीनों ही मंझे हुए कलाकार हैं। ऐसे में फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग के साथ साथ जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। फिल्म में एक्शन का जबरदस्त डोज है। जॉन अब्राहम तो एक्शन में पहले से ही माहिर है, वहीं शाहरुख और दीपिका भी एक्शन करते नजर आ रहे हैं। फिल्म का एक्शन डायरेक्शन काफी दमदार है। इससे आगे की बात करें तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए सबसे पहली बात इस फिल्म में क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म में बस एक ही चीज़ है जो चीज़ पिछले मूवी में दिखाया जा चुका है, ये मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। एक तरह से मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगा, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, ऐसे ऐसे आप जब मूवी देखोगे तो मुझे पूरा पता है आपको भी ये चीज़ पता होगा कि ये कहानी बिल्कुल उसमें है। कहानी का थोड़ा सा फर्क कर दिया गया है, बाकी स्टोरी वही है। आप समझ सकते हो उसमें कैटरीना कैफ होता है, इसमें दीपिका पादुकोण है, उसमें सलमान खान होता है, इसमें शाहरुख खान है। समझ रहे हो मेरी बात? बस विलन चेंज है, मेरा बात आप समझ रहे हो ना, बस वही टाइप का है। बाकी आपका इच्छा है, आपका इच्छा हो तो मूवी देखो क्योंकि मूवी में एक्शन है, ठीक ना। अब पूरा पूरी वो डुप्लीकेट है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा आपको एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है पूरा वही चीज़ आपको दे देगा, वैसा नहीं है। इस मूवी में है अलग, ठीक ना, एक्शन है, डेंजर है, डांस है, मतलब थोड़ा बहुत आपको ऐसा है कि कॉमेडी भी है, मस्त वाला कॉमेडी है, हल्के फुल्का वाला कॉमेडी नहीं है, बहुत ही तगड़ा कॉमेडी है। कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, और आपको थोड़ा बहुत रोमांटिक भी देखने को मिल जाएगा, समझे ना। तो आपको ये फिल्म अगर एक्शन भरपूर आपको चाहिए, आपको चाहत होती है, आपको शौकीन है एक्शन वाला मूवी देखने के लिए, तो आप ये मूवी को बाय कीजिए, आप ये मूवी टाकीज में जा करके देखिए, जरूर देखिएगा, फिर मिस मत कीजिएगा, ये भी मैं आपसे कह दे रहा हूँ। ऐसा मूवी है, आपको बहुत ही तहलकेदार लगेगी एक्शन के मामले में।